हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इंजीनियरिंग मेथड्स में। तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूं दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वर्ब, कि वर्ब्स क्या होती है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और कितने टाइप्स की वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में होती है। तो दोस्तों, हमें वर्ब की मदद से सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वर्ब्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम किस तरीके से समझते हैं और हमें कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं, कौन से ऐसा मेथड है जिसकी तरह वजह से हम ईज़िली वर्ब्स को समझ सकते हैं और वर्ब हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो दोस्तों, वर्ब की मदद से हमें पीपल, प्लेस और थिंग्स के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वर्ब हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, चीज़ के बारे में बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की बहुत इंपॉर्टेंस है। वर्ब से हमें ये पता चलता है कि कोई काम अभी चल रहा है या कोई काम ख़त्म हो चुका है या फिर निकट भविष्य में होने वाला है। तो दोस्तों, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि वर्ब्स की कौन सी फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म्स। इसके थ्रू हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस को विदाउट एरर के बना सकते हैं और ईजिली समझ सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कितनी वर्ब्स की फॉर्म्स होती है। दोस्तों, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म इज़ प्रेजेंट फॉर्म, और दोस्तों उसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड फॉर्म को दोस्तों पास्ट फॉर्म बोलते हैं, जो हम पास्ट में यूज़ करते हैं। पास्ट की जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तब हम पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म प्लस इसको जो बोलते हैं दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं हमें। जब आप कभी YouTube पे वीडियो देखें या फिर कोई बुक्स को पढ़ें तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है दोस्तों, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने वीडियोज़ के थ्रू प्रोवाइड कराऊँ। फोर्थ फॉर्म इज़ ING फॉर्म दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कम इसमें ऐड करते हैं। एग्जांपल है दोस्तों, जैसे ही इज़ ईटिंग द फूड। फिफ्थ फॉर्म इज़ SNES फॉर्म। वी यूज़ SNES फॉर्म्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विद सिंगुलर। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज़ करते हैं सिंगुलर पर्सन के साथ, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं वर्ब्स की पाँचों फॉर्म को। मैंने कोशिश की है कि इस टेबल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। फर्स्ट फॉर्म और उसकी हिंदी मीनिंग, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म्स एंड लास्ट इज SNES फॉर्म्स। तो दोस्तों, आज की फर्स्ट वर्ब है बाय, मतलब होता है खरीदना। सेकंड फॉर्म इज़ बॉट। ING फॉर्म इज़ बाइंग। SNES फॉर्म इज़ बाइज। नेक्स्ट इज स्पेंड, खर्च करना। स्पेंड्स। टेक, लेना। टुक, टेकन। टेकिंग, टेक्स। विन, जीतना। वॉन, विनिंग, विन्स। फ्लाई, उड़ना। फ्लू, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज। ईट, खाना। एट, इटेन, ईटिंग, ईट्स। क्राई, रोना। क्राइड, क्राइंग, क्राइज। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म में क्या चेंजेस होती है, थर्ड फॉर्म में क्या चेंजेस होती है और ING फॉर्म्स कैसे बनती है और एस और ES फॉर्म का हम कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, जब हम स्पीकिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारी मिस्टेक्स होती है वो एस और ES फॉर्म में करते हैं, तो इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है। और दोस्तों, हमें वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में इसलिए पता होना चाहिए कि जब हम रीडिंग करते हैं या फिर राइटिंग करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हम कहाँ पे कर रहे हैं और जब हम ING फॉर्म्स को बनाते हैं तो हमें कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिन्हें हम रिमूव करते हैं, कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनको हम ऐड करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज गेट, इसकी हिंदी मीनिंग है दोस्तों समझना या फिर प्राप्त करना। सेकंड फॉर्म इज गॉट, गेटिंग, गेट्स। मीट, मिलना। मैट, मीटिंग, मीट्स। सिट, बैठना। सेट, सिटिंग, सीट्स। स्पीक, बोलना। स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। फील, अनुभव करना। फेल्ट, फीलिंग, फील्स। कीप, रखना। कैप, कीपिंग, कीप्स। द लास्ट इज गिव, देना। गिविंग, गिव्स। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस वीडियो में वर्ब्स कितने टाइप्स की होती है, वर्ब्स की क्या इम्पोर्टेंस है और वर्ब्स में ING फॉर्म्स का कैसे यूज़ करते हैं, एस और ES फॉर्म का कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल के थ्रू
वर्ब्स को समझना है कि हम जब किसी से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों एक दो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। जैसे कि वर्ड है, वर्ब है कैट। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे कल लेटर मिला, यस्टरडे आई गॉट अ लेटर, तो यहाँ पे दोस्तों हम गेट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सेकंड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं। तो पास्ट फॉर्म में यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ होती है पास्ट के टेंसेस के लिए। तो सेकंड फॉर्म इसमें गॉट है, तो इसलिए मैंने इसमें इसका सेंटेंस बनाया है कि यस्टरडे आई गॉट अ लेटर। और अगर हमें कुछ नॉलेज मिल रही है या हम किसी से कुछ चीज़ ले रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि आई एम गेटिंग नॉलेज, मुझे नॉलेज मिल रही है या फिर मैं नॉलेज ले रहा हूँ। तो वहाँ पे गेट के साथ आईएनजी हम यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से हम इन वर्ब्स का यूज़ डे बाय डे लाइफ में करते हैं। और एक और समझते हैं दोस्तों, गिव देना, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई वांट टू गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा देना चाहता हूँ। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मैंने उसे पैसे दिए, आई गेव हिम टू मनी। तो दोस्तों हमने देखा कि, या मैं इस तरीके से इसको बना सकते हैं थर्ड फॉर्म के साथ, कि मैं उसे पैसे दे चुका हूँ, आई हैव गिवन द मनी। तो हमने देखा कि दोस्तों हम किस तरीके से सेंटेंसेस को बना रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारे वर्ब्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।